हेलो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल रहता है, जैसे हम हिंदी मीडियम से हैं, हमने हर चीज़ हिंदी में पढ़ा, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं अंग्रेजी बोलना। हमने अभी तक इंग्लिश की बुक को केवल छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट हम हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, बोलते हैं दिन रात भोजपुरी, हिंदी और भी हम अपने लोकल लैंग्वेज, लेकिन हम चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में अपने बातों को एक्सप्रेस करना, लिखना। तो हम पहले सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़े। तो आपको आजकल तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे, फ्री में भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं अंग्रेजी, तो इसमें आपको कुछ मिल जाती है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हो जो हम अपने से करें, जैसे हमें बुक कहाँ से, हम वो कौन सी बुक पढ़े जो हमें ज्यादा बेनिफिट हो, राइट। तो अगर आप हिंदी मीडियम से और आप शुरुआत में ही अभी अभी पढ़ना चाह रहे हैं अंग्रेजी, और मैं आपको सबसे बेस्ट बुक बताने जा रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए, जो मैं पढ़ाता भी हूँ और इसका क्लास भी शुरू होने वाला है शुरू से। सो अगर आप चाहते हैं इसका क्लास करना तो आप कर सकते हैं। सबसे बेसिक बुक है, जैसे अगर अगर आप हिंदी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना कोई भी बात, अगर जब तक आप लिखना नहीं जानते हैं तब तक आप मतलब कैसे किसी के सामने बोल पाएंगे, क्योंकि माइक पकड़ के आदमी हर चीज भूल जाता है, वो इमेजिन करना भूल जाता है कि हम क्या, हमें क्या बोलना है, वो इमेजिन ही नहीं कर पाता है लोगों के सामने भी। तो पहले हम लिखना सीखते हैं। तो जैसे हमें लिखने के लिए दो तीन चीजें चाहिए, तो जैसे रूल्स रेगुलेशन चाहिए, तो हमें जो प्रैक्टिकल कराता है ना वो हमारे लिए ट्रांसलेशन होते हैं। हम धीरे धीरे हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसी तरह हम सोचने लगते हैं, तब हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। अगर ऐसे ही आप सोच रहे हैं कि मतलब यूं जैसे अंग्रेज बोलते हैं वैसे ही बोलने लगे डायरेक्टली, तो ऐसा हो नहीं सकता है। धीरे धीरे सीख लेंगे, समय लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप सीख लेंगे। तो रूल्स के लिए अगर जैसे आप ग्रामर की बात करें, ग्रामर की बात करें और एक तरफ हम ट्रांसलेशन की बात करें, तो हमारे पास दो बुक हैं, ट्रांसलेशन के लिए एक अलग है और ग्रामर के लिए अलग है। हम इन बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और सारे रूल्स रेगुलेशन जान जाएंगे। इस जो मैं ग्रामर का बुक बताने वाला हूँ एकदम हिंदी में है, जो ट्रांसलेशन का बुक बताने वाला हूँ एकदम हिंदी में, और बहुत ही बढ़िया बुक है, सबसे बेस्ट बुक है। जो ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसलेशन से सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बेस्ट बुक है, हाउ टू टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय आरपी सिन्हा। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं आता, सीखना चाहते हैं, तो आप इस बुक को फॉलो कीजिए। चाहे आप किसी बोर्ड की या यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं और आपको ट्रांसलेशन बनाना है, उसमें ट्रांसलेशन आते हैं, आपको पैराग्राफ बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, उनको ट्रांसलेट करना है, तो आप इस बुक को फॉलो करिए। दुनिया का कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, जो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अंग्रेजी में। मैं आपको किताब दिखाता हूँ, जैसे हमारा पहला किताब ये है, आप देख रहे होंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आरपी सिन्हा जी के द्वारा। और जो हमारा ग्रामर का बुक है ना, अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, ये है केपी ठाकुर का, बहुत ही बेस्ट बुक है, पूरी हिंदी में लिखी हुई है। तो दूसरी किताब का नाम ये है प्रैक्टिकल, गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। केपी ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो हम इस बुक को पढ़ेंगे एकदम पेज बाय पेज भी पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ाएंगे पेज बाय पेज भी पढ़ा देता हूं। और यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रांसलेशन का बुक दिखाया, ये जो इसको मैंने पेज बाय पेज पढ़ा रखा है, अगर आप चाहते हैं देखना तो आप देख भी सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये ट्रांसलेशन सिखाती है, अंग्रेजी सिखाती है। इससे बेहतर बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा जितना बढ़िया ये बुक है। और मैंने लगभग कहा था कि मैं 40 वीडियो में, इसके पहले मैंने कहा था कि मैं 40 वीडियो में इस ट्रांसलेशन का जो बुक है उसको खत्म कर दूंगा, और मतलब हमने यहाँ तक 50 वीडियोस देख लिए हैं।
शुरू से हर एक बात को एक्सप्लेन करते गए हैं हम, हर एक चीज को बनाते गए हैं, हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट किया हमने, और उसका सॉल्यूशन भी, जितने भी उसमें एक्सरसाइज दिए उनको पीडीएफ के तौर पे हमने प्रोवाइड भी किया है, ठीक है। अब रही बात, हम ये क्लास चालू करने वाले हैं, ये जो ग्रामर की क्लास है, एकदम पेज बाई पेज पढ़ेंगे हम। हर चीज जो भी दिया होगा ना, वो आपके जबान पे होगा, वो आपके दिमाग में होगा, तो इस चीज को भी हम देखेंगे धीरे धीरे। सो यहाँ तक, अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।